रोहन बहुत गर्मी में फंस जाता है। इतनी गर्मी कि उसके रबर के शू पिघलने लगते हैं। किसी तरह वो एक गुफा के अंदर पहुंच जाता है। गुफा के अंदर उसे तीन दरवाजे मिलते हैं। पहले दरवाजे के पीछे जहरीले स्नेक्स हैं, जो अंदर जाते से उसे डस लेंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे एक बड़ी एक्स है, जो उसके दो टुकड़े कर देगी। तीसरे दरवाजे के पीछे पानी है, लेकिन पानी में करंट है, जो अंदर जाते से उसे शॉक देंगे। क्या आप बता सकते हैं रोहन को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। रोहन वाटर वाला दरवाजा चुनेगा। वाटर में करंट है, लेकिन उसने रबर वाले शू पहने हुए हैं। रबर करंट को पास नहीं होने देंगे, तो रोहन बड़ी आसानी से निकल जाएगा। इतनी मस्त पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल को खबर मिलती है कि कोई एक सीक्रेट एजेंट नकली है, भेष बदल के ऑफिस में घुस गया है। उसको तीन एजेंट्स पे शक जाता है, प्रिया, सुप्रिया और रौनक। वो तीनों के आईडी कार्ड चेक करता है, उनके पर्सनल फाइल्स चेक करता है, उनका बैकग्राउंड चेक करता है। जैसे ही वो तीनों के आईडी कार्ड ध्यान से देखता है, उसे समझ जाता है कि नकली एजेंट कौन है। कैसे मेहुल को कैसे समझता है कि नकली एजेंट कौन है? क्या आप बता सकते हैं? प्रिया नकली एजेंट है। उसका मस्सा देखिए, आईडी में अलग तरफ है और एक्चुअल में अलग तरफ है। उससे मेहुल को समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन तीन इमोजीज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इन तीनों इमोजीज में से कौन सी कंट्री बनेगी। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इन तीनों इमोजीज से बनेगी टर्की। चलिए अब इन दो इमोजीज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनसे कौन सी कंट्री बनेगी। आपका आंसर कमेंट कीजिए। टाई प्लस वैन, तो इससे बन जाएगी ताइवान। अब इन दो इमोजीज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनसे कौन सी कंट्री बनेगी। आपका आंसर कमेंट कीजिए। पू प्लस लैंड, तो हो जाएगा पोलैंड। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सेजल एक बार जंगल के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक उसकी कार जाके पेड़ से टकरा गई। वो कार से निकली तो देखा एक बहुत बड़ा टोर्नेडो उसके तरफ बढ़ रहा है। उसका साइज बढ़ते ही जा रहा था, इतना कि उसकी कार को भी उठा लेगा। सेजल डर जाती है और सोचने लगती है क्या करूं। उसको तीन ऑप्शन दिख रहे थे। पहला, वो टोर्नेडो से बच के भागे। दूसरा, पास वाले एक गड्ढे में घुस जाए। तीसरा, पेड़ पे चढ़ जाए। आपको क्या लगता है, क्या सही रहेगा सेजल के लिए? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। टॉर्नेडो इतना बड़ा होते जा रहा था कि कार को भी उठा लेता, मतलब सेजल उससे बच के तो भाग नहीं पाती। पेड़ के ऊपर चढ़ना भी सेफ नहीं रहता, क्योंकि टॉर्नेडो ऊपर की तरफ ज्यादा शक्तिशाली होता है। गड्ढे में घुसना सबसे सेफ रहेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तारों के साथ आता है और तारों के साथ चला जाता है। जिसकी बुद्धि कमजोर हो, उसे किस नाम से जाना जाता है? आपको क्या लगता है, आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है उल्लू। तीन अक्षर से मैं बनूं, पर्यावरण की रक्षा करूं,
प्रथम कटे तो गल जाए, अंत कटे तो जंग हो जाए। बताओ मैं कौन हूँ? आपको क्या लगता है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है जंगल। प्रथम कटे तो गल हो जाएगा और अंत कटे तो जंग हो जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कार्तिक और उसका दोस्त रोहन टेनिस खेल रहे थे। कार्तिक को जीतने के लिए बस एक पॉइंट की जरूरत थी, तो उसने जोश में आके आखिरी शॉट इतना जोर से मारा कि बॉल काफी दूर चला गया और एक गड्ढे में जाके गिर गया। गड्ढे की गहराई 12 इंच थी और कार्तिक के पास बस तीन चीजें थी, एक रैकेट, एक पानी का बॉटल और एक शूलेस। कार्तिक ने दिमाग लगाया और बड़ी आसानी से बॉल को बाहर निकाल लिया। कैसे? कार्तिक ने बॉल को कैसे बाहर निकाला, क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कार्तिक ने पानी की बॉटल यूज करके उसका पानी गड्ढे में डालना शुरू कर दिया। पानी की वजह से बॉल धीरे धीरे ऊपर आने लगा और कार्तिक को बॉल मिल गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजीव उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया को लेके घर आता है। राजीव, वेलकम टू माय होम प्रिया। सॉरी, आज घर थोड़ा बिगड़ा हुआ है, क्या करूं, सिंगल हूं ना। तभी रूम के कॉर्नर में प्रिया को लेडीज शू दिखते हैं और वो राजीव से पूछती है, तुम तो सिंगल हो, बैचलर हो, तो ये शू किसके हैं? राजीव बोलता है कि ये शू मेरे बहन के हैं, वो कभी कभी मेरे घर आती है। फिर प्रिया की नजर उसके पूरे रूम पे पड़ती है और वो राजीव पे चिल्ला के निकल जाती है। क्यों, ऐसा क्या देखा प्रिया ने, क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप रूम को ध्यान से देखेंगे तो बेड के पीछे एक बॉक्स में बच्चों के खिलौने दिख रहे हैं, दो जोड़ी स्लीपर्स भी दिख रहे हैं और एक एंगेजमेंट रिंग भी दिख रही है। मतलब राजीव शादीशुदा है और वो झूठ बोल रहा था, इसलिए प्रिया चले जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कितने डिफरेंसेस है। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इनमें टोटल 6 डिफरेंसेस हैं, कुछ इस तरह से। पहला, इसके हेयर देखिए। दूसरा, इसकी मूछे है। तीसरा, इसका हैंड मिसिंग है। चौथा, इसका सूटकेस देखिए। पांचवा, इसका बेल्ट देखिए। और छठवा, इसके पैंट्स देखिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन 6 पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। ऑड वन आउट है डी, इसके कोन में ये स्ट्राइप मिसिंग है। अब इन 6 पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, ए बी सी डी या एफ। आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसमें ऑड वन आउट है सी, इसके हेयर की एक क्लिप मिसिंग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों फैमिली को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कौन सी फैमिली रोबोट है। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसमें तीसरी फैमिली रोबोट है। अगर आप पहली दो फैमिली को देखेंगे तो उनके पैरों के निशान हैं,
लेकिन तीसरी फैमिली के व्हील्स के निशान है। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।